कच्चा तेल हुआ पानी से भी सस्ता, -$40 प्रति बैरल तक गिरा रेट, जाने क्यों मचा है क्रूड ऑयल में ये कोहराम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। कोरोना वायरस के संकट के चलते दुनिया में अब कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। सोमवार को अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत जीरो से भी नीचे लुढ़कते हुए -$40 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यह पहला मौका है जब कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सऊदी अरब से लेकर रूस और अमेरिका तक की ओर से कच्चे तेल के लगातार उत्पादन और मांग में कमी के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। हालत यह है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का कोई खरीदार ही नहीं है। चलिए जानते हैं क्यों पानी के भाव भी नहीं मिल रहे तेल के खरीदार। मांग थमी और उत्पादन जारी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब कच्चे तेल की कीमत जीरो के लेवल पर पहुंच गई। पहली बात यह समझने की है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट कोरोना के संकट से पहले से ही जारी है। इसके बाद कोरोना ने क्रूड ऑयल के लिए कोड़ में खाज जैसा काम किया। पीते कई महीनों से लुढ़क रहे कच्चे तेल के दाम मार्च के अंत में $20 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। इसका सीधा गणित है कि सप्लाई इस समय मांग से कहीं ज्यादा है, खासतौर पर ओपेक देशों की सप्लाई और फिर अमेरिकी की ओर से आपूर्ति के बाद यह संकट और गहरा गया है। वजह यह है कि दोनों ही पक्षों की ओर से कटौती पर समय रहते सहमति नहीं बन पाई। चलिए जानते हैं तेल कुओं को बंद क्यों नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों से तेल उत्पादक खाड़ी देशों के समूह ओपेक से रूस ने भी तालमेल स्थापित किया है और उत्पादन में 10% की कटौती पर सहमति जताई है। हालांकि इसके बाद भी उत्पादन मांग के मुकाबले काफी अधिक है। अब सवाल यह है कि आखिर तेल का उत्पादन मांग बढ़ने तक पूरी तरह रोका क्यों नहीं जा सकता। दरअसल इसमें भी तेल उत्पादक देशों और कंपनियों का भी घाटा है, क्योंकि एक बार तेल कुओं को बंद करने के बाद उन्हें दोबारा शुरू करना और भी महंगा एवं जटिल है। इसके अलावा देशों में प्रतिस्पर्धा की वजह यह है कि यदि कोई एक तेल में उत्पादन में कमी करता है तो उसे मार्केट में अपनी हिस्सेदारी घटने का भी डर रहता है। चलिए जानते हैं क्या होता है कीमत का माइनस में जाना। सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमत -$40 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। दरअसल कीमतों का नेगेटिव में जाने का अर्थ यह होता है कि बेचने के लिए सामान के साथ खरीदार को कीमत भी अदा करना। रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म IHS मार्केट से जुड़े ओरोन ब्रैडी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, यदि आप उत्पादक हैं और आपके सामने मार्केट ही खत्म है, फिर तेल रखने के लिए भी जगह की कमी है, तो समझिए कि अब भाग्य आपके साथ नहीं है। दरअसल दुनिया भर की रिफाइनरीज की ओर से क्रूड ऑयल को गैस, डीजल और पेट्रोल में तब्दील करने की प्रक्रिया ही ठप है। दुनिया में उड़ानें बंद हैं, वाहनों के पहिए थम गए हैं। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अप्रत्याशित नहीं है। दिवालिया हो सकती है अमेरिकी कंपनियां। यदि कुछ और दिनों तक यही हाल रहा तो कई अमेरिकी कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ही नहीं है। इसके अलावा कई देशों ने सस्ते तेल की खरीदारी करके पहले से ही अपने भंडार भर लिए हैं और अब उनके पास स्टोरेज तक की जगह नहीं बची है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा क्यों कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो चुका है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।